अपन अभी तक इसको ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई ये परफेक्ट है। ओहो हाँ, चेसी और गेयरबॉक्स छोड़ देगा तो सब कुछ ही नया है, तो सब लिया। चलो राइडर रेडी, वेलकम टू पुणे गाइस। अभी बज गए हैं 4:10, बॉयज निकल पड़े हैं टू शूट सम रील्स एट आवर एज यूजुअल स्पॉट। ओहो साउंड चेक, राइडर रेडी, पिलियन रेडी, राइडर रेडी। अमेजिंग सनसेट, आई डाउट मेरे को ज़्यादा रील्स शूट करने मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी सन हो गया है डाउन। तो अपन इधर से निकलते हैं पहले, फिर हाईवे पे पहुंचता है मैं, आप लोगों को मैं लोकेशन भी दिखाएगा मैं जहाँ पे जा रहा है, और बाकी बातें करते हैं अपन हाईवे पहुंचने के बाद में। सो गाइस, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अपन ये गाड़ी को चला रहे हैं। आप सभी को पता रहेगा ये वही वाला गाड़ी है जो रेस्टोर हुआ था, ओडिशा से आया था, फिर पुणे आया, पुणे से फिर अपन लेके गए इसको थाने, छोटू भाई के इधर गाड़ी बनाया पूरा, फिर उसके बाद वापस लेके आए पुणे। लंबा सीरीज़ था, दिस इज़ द एग्जैक्ट बाइक जो अपने पूरे के पूरे RX 100 बिल्ड सीरीज़ में यूज़ हुआ है। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया, तो बहुत लोगों को डाउट रहेगा कि भाई अभी ये गाड़ी कैसा चल रहा है इतने दिनों के बाद में। तो जो ओनर है, जो अभी मेरे साथ में बैठा है, हु हैपेंस टू बी माय कज़न ब्रदर IG अभी, तो उसने अभी तक इस पर क्लॉक कर दिया है 2312 किलोमीटर, और मैं जब इसको लेके आया था आई एम गेसिंग इट वाज एट अराउंड 600-700 किलोमीटर्स, 750-800 किलोमीटर ऐसा कुछ था, तभी से लेके अभी तक उसने इतना किलोमीटर चला लिया है, 1500 किलोमीटर तक समथिंग। इंजन का ब्रेक इन भी हो गया है, ऑयल भी चेंज हो गया है इसके अंदर, एंड ऑयल हम लोग ने इसके अंदर वही वाला डाला, 20W50 सेमी सिंथेटिक मोटुल वाला। और भाई साहब गाड़ी क्या चल रहा है, मतलब एकदम मस्का। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मेरे RX 100 से, तो मेरा RX 100 में पावर फील होता है, वो एकदम रॉनेस फील होता है, क्योंकि वो बहुत साल हो गया वो गाड़ी को चला चला के, एंड में पूरा एकदम मेरा हाथ बैठ गया उसके ऊपर। लेकिन ये गाड़ी फ्रॉम स्क्रैच इसको बनाया गया है, एक्सेप्ट द गेयरबॉक्स, उसका इंजन केसिंग और इसका फ्रेम, बाकी सब कुछ ही ब्रांड न्यू, टोटल नया है इसके अंदर। तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं अपन कि पूरा का पूरा फैक्ट्री रेडी गाड़ी है ये, ब्लॉक वगैरह सब कुछ इसके अंदर नया डाला है, एग्जॉस्ट भी नया है। तो पूरा इसको सेट होने में एंड गाड़ी को अपना एक स्ट्रक्चर पकड़ने में, गाड़ी टाइट होने में अभी भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आराम से और 5-6 हज़ार किलोमीटर तक, जब तक ये गाड़ी चलता नहीं है, जब तक ये गाड़ी चलता नहीं है तब तक ये, अपन अभी तक इसको ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई ये परफेक्ट है, थोड़ा सा अभी भी साइंस ऑफ एरर हो सकता है, कहीं ना कहीं निकल सकता है, एंड उसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात है नहीं। सो जब भी हम लोग ने गाड़ी को रेडी किया था, तो वो टाइम पे मैंने IG अभी को बोला था कि भाई तू थोड़ा टाइम रुक जा, ये गाड़ी अपन पूरा का पूरा रेडी होने के बाद में थोड़ा सा इसको चलाएंगे, चलाने के बाद में कुछ ना कुछ एरर निकलेगा, एंड उसके बाद में उसको सॉल्व करके मैं पुणे लेके आएगा, फ्रॉम थाने टू पुणे। लेकिन भाई को था घाई, एंड उसी चक्कर में इंजन रिबिल्ड भी नहीं हुआ था, उसी टाइम में मैं लेके आया था, बीच में एक बार या दो बार हुआ रहेगा शायद से, गाड़ी बंद हो गया था, मतलब ऐसे चलते चलते 60-70 पे चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हाईवे पे अपन गाड़ी चलाते तो स्पीड्स बढ़ जाते हैं, अपने को मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक उसी स्पीड में चल रहा है, एंड अपन उसी जोन में रहते हैं, हाईवे के स्पीड में अपन चलते रहते हैं, एंड स्पीड बढ़ जाता है, एंड ऑयल नहीं मिलने की वजह से इंजन हो जाता है प्याओ, मतलब इंजन हो जाता है बंद। तो अभी वैसा कुछ इशू आया नहीं है, मैं अभी 2-3 दिन से आया है पुणे में टू सेलिब्रेट दिवाली, एंड बाय द वे बिलेटेड दिवाली के शुभकामनाएं आप सभी को। ये तो ऑब्वियसली बहुत लेट आने वाला है वीडियो, और अभी हम हैं पिंपरी में और गाड़ी चल रहा है भाई। 2-3 दिन से मैं ये गाड़ी को चला रहा है, तो मेरे को कोई ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, इतना मैं बोल सकता है
मेरे को कोई ऐसा गलत कुछ मालूम नहीं पड़ा अभी तक गाड़ी में। और इतना मैं एक चीज़ बोलेगा कि भाई जो ब्लॉक लगाया ना गाइस इसके अंदर, भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त। ऑल थैंक्स टू माय ब्रदर मैक्सिल भाई, जिसने ये बहुत ही एंड टाइम में सोर्स किया। अगर वो ब्लॉक नहीं मिलता तो भाई चांस नहीं था ये गाड़ी बनने का, क्योंकि वो एक चीज़ की वजह से बहुत ही डिले हो जाता। एंड अभी तो बहुत ही परफेक्टली चल रहा है। और मैंने इधर आसपास जितने भी कुछ कुछ गैरेजेस हैं मैंने वहाँ पे पता किया, तो गाइस ब्लॉक का प्राइस आप लोग शॉक हो जाएंगे सुन के, G1 का प्राइस कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये पब्लिक चार्ज कर रहा है, और Y1 का तो हिसाब ही नहीं है, कुछ 15 हज़ार के ऊपर भी चला जा सकता है। और मेरा ऐसा हिसाब है कि भाई अगर मैं इतना ही पैसा डाल रहा है तो मैं भाई किंग का ब्लॉक क्यों ना ले लूँ, किंग का ब्लॉक लेके 5 स्पीड का सेटअप करके मैं पूरा उसको वैसा क्यों नहीं बना दूँ। तो बोलने की बात यह है कि अरे पहुँचा नहीं इसके चक्कर में एक अच्छा बुलेट दिखाने को आपको मैं रह गया। रुको थोड़ा स्पीड स्लो करते हैं, लेट मी शो यू दिस बुलेट। ये देखिए गाइस अमेजिंग बुलेट 500 या बुलेट 350, इस पे मिलिट्री में नंबर लिखा हुआ है, और आई एम गेसिंग दिस इज अ 350, वेरी वेरी ओल्ड बाइक, अमेजिंग। तो मिलिट्री में ज़्यादातर यही वाला बाइक यूज़ होता है, रॉयल एनफील्ड का, एंड मोस्ट प्रेफरेबली बुलेट। और बहुत पब्लिक क्लासिक को भी बुलेट बोलता है, वो तो अभी एक नाम चिपक गया है मुंह में, तो रॉयल एनफील्ड बोल दिया तो बुलेट इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल को भी पब्लिक बुलेट ही बोलता है, सो उससे कोई हर्ट होने वाली चीज़ है नहीं। सो या एज आई वॉज सेइंग ब्लॉक का प्राइस ऐसे चल रहा है बिकॉज RX 100 का बहुत ज़्यादा डिमांड है इन पुणे। 135 का कम है, जेड का इतना आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन 100 का भाई खतरनाक डिमांड है। तो अभी वो कैसा वर्क करता है इधर मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी यार गाड़ी यार ये बहुत ही सही चल रहा है, मतलब एक चीज़ अगर मैं बोलूँ इसके बारे में तो वो यही रहेगा कि मेरा 100 बहुत अलग चलता है एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक। इसका कुछ फीलिंग ही अलग है, इसका सिटिंग का स्टांस अलग है, इसका बॉडी लाइन अलग है, इसका साउंड अलग है। एंड अगर मैं एग्जैक्ट 100 वाला, अभी तो इसके अंदर RX 135 का एग्जॉस्ट है और स्टॉक मफलर पे चल रहा है, तो आप लोगों को साउंड भी एकदम साइलेंट, लिटरली कन्वर्टर जैसा साउंड आप लोगों को आता रहेगा। कन्वर्टर इज़ बेसिकली जो 5 स्पीड में जो साइलेंसर लग के आता है, उतना साइलेंट साउंड है इसका। एंड अगर 100 वाला साइलेंसर भी अगर इसमें डाल दिया 6 होल वाला, तो भी मेरे हिसाब से ये ज़्यादा साउंड नहीं करेगा, क्योंकि भाई ब्लॉक वगैरह सब कुछ इसका एकदम अलग है 100 का ही, लेकिन अलग है। और ये बात आप लोग मानो नहीं मानो, लेकिन RX 100 या फिर यामा का कोई भी 2 स्ट्रोक या फिर सुजुकी का भी कोई भी 2 स्ट्रोक, सबका साउंड अलग आता है, सबका स्मेल अलग आता है। आप भले ही सेम मॉडल भी चलाओ, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, अलग ही आएगा हमेशा। लुक एट दिस अमेजिंग फ्लैग गाइस, इंडियन फ्लैग। या आप लोगों को दिखेगा जब आप पिंपरी वाला रोड पकड़ेंगे, जब आप लोनावाला से आते हैं, ज़बरदस्त। सो ये आगे गाइस अपन क्रॉसिंग पे, और ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं ये जाता है सीधा टू बैंगलोर, और ये वाला रोड जाता है अंदर जहाँ से अभी भी मैं आया, वो पिंपरी एंड पुणे के अंदर अंदर से जाएगा। ये भी जाता है अंदर से ही, लेकिन आप सॉर्ट ऑफ बाहर बाहर से आप लोग निकल जाते हैं। सो अभी हम जाएंगे यही रोड से, और थोड़ा सा एक 10-15 किलोमीटर है, लोकेशन पे जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों को। अभी हम लोग को थोड़ा सा घाई है क्योंकि 6 बजे तक सनसेट हो जाएगा, सो लेट्स सी। अभी भी सन है बाहर, जितना टाइम तक बाहर है तब तक अपना शूट हो जाएगा। एक बार जैसे सन चला गया फिर फटाफट अंधेरा हो जाता है। ये देखो गाइस अंदर बैठ के पब्लिक कैसा काम कर रहा है, एंड इतने दिनों के बाद ऐसा गांव वाला एरिया में आने के बाद जो मज़ा आ रहा है ना भाई साहब, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता है। मुंबई पुणे जो सब सिटी एरियाज है जहाँ पे अपन हम लोग रहते हैं, मेट्रो सिटीज़, पोल्यूशन इतना चल रहा है नेक्स्ट लेवल पे कि भाई आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं। गाड़ी का पोल्यूशन से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे गाइस, सिर्फ मुंबई में कम से कम 6 से 6,500 लिटरली मिनिमम 6,000 प्रोजेक्ट्स अभी करेंटली चल रहे हैं, एंड सबका सब वर्किंग में है, एंड उसी का धूल मिट्टी सब जगह पे घूम रहा है। और
हम लोग जैसा लोग जो सिटीज़ में रह रहे हैं वो क्रेव कर रहे हैं कि ऐसा लोकेशन पे आए, थोड़ा सा चिल करे। एंड इधर का जो हवा है भाई साहब, इतना मस्त लग रहा है ना। अभी देखो पब्लिक मजे कर रहे हैं, एकदम आराम से बैठे हैं। इन ये ऐसा लोगों को, इधर के लोगों को कुछ नहीं होता कभी, हेल्थ इश्यू कभी भी कुछ नहीं होता। ये लोग मस्त अपने मज़े में है, लेकिन फिर भी ये लोग सोचते हैं कि हम लोग सिटी में जाके रहे, और सिटी वाले पब्लिक बोलते हैं कि हम लोग जाके गाँव में रहे। सो ऐसा है। ये देखो गन्ने का खेती, बाकी तो अपने को ज़्यादा इतना आइडिया है नहीं खेती वीती का, लेकिन यही है जो भी यार। लेकिन क्या व्यू है, मज़ेदार, मतलब मज़ा आ गया। मैं हमेशा जब भी पुणे आता है इधर में विज़िट करता है, एंड गाइस बिलीव मी, ये व्यू देख के मैं कभी भी बोर नहीं होता है, बहुत मज़ा आता है। कितना ओपन ओपन है सब कुछ, लवली। ये आ गए हम लोग अपने लोकेशन पे गाइस, दिस इज़ जादववाड़ी डैम। और हम लोग ने सोचा था कि सन नहीं जाएगा नीचे, लेकिन सन ऑलमोस्ट आ गया है नीचे। तो अभी आईजी अभी और मैं ढूंढ रहे हैं लोकेशन फॉर अ शूट। हम लोग को लग रहा है कि ये वाला लोकेशन ही अच्छा रहेगा इधर से, क्योंकि सन भी पीछे से ऐसा पीक कर रहा है। तो क्या बोलता है, इधर जाने का? चल ट्रायल मार देना कुछ तो भी नया। ये लोकेशन पे हम लोग ने पहले बहुत सारे शूट्स कर लिए। उधर आप लोग देख सकते हो वो जो पिलर जैसा निकला हुआ है, उधर भी हम लोग ने शूट किया है। पिछला RX 100 का उधर वीडियो शूट किया था, और अभी ये एक नया लोकेशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। चलो देखते हैं, अच्छा शॉट चाहिए, अच्छा शॉट्स। आई एम गेसिंग दिस माइट बी अ गुड लोकेशन। धूप तो भाई अभी छुप ही गया, अभी तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन ये कैसा थोड़ा सा ना, ये खड़बुड़ा थोड़ा सा सा रफ एलिमेंट लग रहा है, कुछ शूट करने जैसा ऐसा लग रहा है। और पीछे का कैसा, ये जो बैकग्राउंड है ना थोड़ा, तो इसमें कुछ ऐसा सिनेमैटिक वगैरह कुछ डाल सकता है, सिनेमैटिक शॉट में लेगा ना कुछ आएगा इधर मस्त वाला। वेरी वेरी साइलेंट लोकेशन, जस्ट एक्सपीरियंस द साइलेंस, एक्सपीरियंस द साइलेंस। बोला कौन अपनी बंद कर दे भाई। सो गाइस, अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड मैंने आप लोगों को बता दिया अपने यार RX 100 कैसे चल रहा है। एंड जब भी अपन पुणे आएंगे तो इसको अपन राइड करेंगे, और एकदम ही परफेक्ट है। खाली एक टैंक में से साउंड आ रहा है, तो वो तो चलता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा का पूरा गाड़ी ब्रांड न्यू है। चेसी और गेयरबॉक्स छोड़ देगा तो सब कुछ ही नया है, तो सब साथ में बैठने को, सिंक में आने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड हो ही जाएगा इवेंचुअली 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद, एकदम परफेक्ट। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले किसी व्लॉग में। अभी हम लोग करेंगे फटाफट शूट शुरू। आजी अभी अपना गिमल निकाल दिया है, ये है अपना न्यू वेपन फॉर टुडे। एंड बाय द वे दिस इज़ माय न्यू फ़ोन 13 प्रो। तो अभी जितने भी सब शॉट्स आते हैं, व्लॉग आते हैं, रील्स आते हैं, सब इसी फ़ोन से आएगा। सो या अभी करते हैं अपन शूट को शुरू जल्दी से जल्दी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर दैट हेलमेट। बाय बाय, पीस।